हाय फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे एक गियर बनाने की। हमारे सामने एक क्वेश्चन है, ये है कि एक गरारी की दांतों की संख्या 20 है, वृत्ताकार अंतराल CP अर्थात सर्कुलर पिच 22 है, तथा दाब कोण यानी प्रेशर एंगल 20 डिग्री है। तो गरारी के विभिन्न वृत्त बनाकर कुछ दांतें प्रदर्शित कीजिए, ये हमारे पास प्रश्न है। तो हमें गरारी के जो दांत होता है, गरारी हिंदी में बोलते हैं और गियर इसको इंग्लिश में बोलते हैं। तो जो गियर बनाने के लिए कुछ चीज़ें हमें निकालनी पड़ती है मैथमेटिकल कैलकुलेशन के थ्रू। सबसे पहली चीज़ होती है PCD, पिच डाया सर्कल। PCD जो PCD होती है वो नंबर ऑफ टीथ, मान लीजिए नंबर ऑफ टीथ हमारे पास दिए हुए नंबर ऑफ टीथ N हो, और CP ये होता है वृत्ताकार अंतराल अर्थात सर्कुलर पिच अपॉन पाई, ये फॉर्मूला होता है। एन जो है दांतों की संख्या, आप इसमें वैल्यू पुट कर दीजिए, तो ये 20 हो गया और CP हमारे पास 22 था, और पाई जब इसको कैलकुलेट करेंगे तो 140 आएगा, 140। और इसका जो यूनिट लेंगे वो MM में लेंगे, क्योंकि हमें इसी कॉपी बनानी है। अब दूसरी चीज़ निकालनी होती है एडेंडम होता है CP/πI। CP हमारे पास था 22 और पाई की वैल्यू आप जानते हैं, 22/7 था, 60 के ऊपर मल्टीप्लाई करा लीजिए अर्थात 7 mm आएगा। ये 22 और 22 कैंसिल हो जाते हैं, ये हो गया एडेंडम। अब एडेंडम सर्किल डाया के अब निकालते हैं एडेंडम सर्किल डाया। एडेंडम को ADD लिखते हैं और सर्किल डाया CI, सर्किल डाया बोलिए या डायमीटर बोलिए, हम डाया लिखते हैं, शॉर्टकट में। जो ये एडेंडम सर्किल डायमीटर होता है वो PCD प्लस 2 इंटू एडेंडम होता है। एडेंडम को हम एड लिख रहे हैं केवल। अब ये PCD हमारा निकला था 140 और प्लस 2 इंटू ये जो एडेंडम था, एडेंडम 7 आया था। तो इसको जब कैलकुलेट करेंगे तो ये 154 mm आएगा। ये हमारा था एडेंडम सर्किल डाया, डायमीटर या डाया का है। अब बात करते हैं क्लियरेंस निकालने की। क्लियरेंस होता है CP/CP/ दांतों की संख्या N। CP हमारे पास है 22 और दांतों की संख्या है 20। ये अप्रॉक्सीमेट आता है, मतलब ये कभी पूर्ण संख्या बहुत ही पूर्ण संख्या आता ही नहीं है, तो ये समझ लीजिए 1.1 समथिंग आएगा। अब निकालते हैं डिडेंडम होता है वो एडेंडम प्लस क्लियरेंस के इक्वल के बराबर होता है। ये क्लियरेंस के बराबर होता है। हमारे पास एडेंडम जो आया था वो 7 आया था, ये 7 यहाँ पुट करेंगे प्लस क्लियरेंस है 1.1, ये हो जाएगा 8.1 mm। आप डिडेंडम सर्किल निकालते हैं, डिडेंडम सर्किल डायमीटर DI सर्किल डायमीटर हो जाएगा PCD माइनस 2 इंटू डिडेंडम DED। ये PCD हमारे पास था, PCD ये लिखिए कहाँ निकाले थे, 140 माइनस 2 इंटू डिडेंडम 8.1। इस ये हो जाएगा जब इसको कैलकुलेट करेंगे 123.8 mm। ये जो हमारे पास आया ये डिडेंडम सर्किल डाया आएगा। अब टीथ का थिकनेस निकालते हैं। टीथ थिकनेस जो होती है वो CP/2 होती है। CP/2 CP हमारे पास था 22, तो इसमें 2 डिवाइड करेंगे तो 11 आ गया, 11 mm। इस प्रकार ये कैलकुलेशन होती है। सबसे पहले PCD निकालते हैं, उसके बाद एडेंडम निकालते हैं CP/2, उसके बाद
एडेंडम सर्किल डायमीटर निकालते हैं पीसीडी प्लस टू इंटू एडेंडम, उसके बाद क्लियरेंस निकालते हैं सीपी बाई एन, और सीपी की वैल्यू 22 थी, एन की वैल्यू हमारे दांतों की संख्या जो थी वो 20 थी, तो 1.1 अप्रॉक्सीमेट आता है। और उसके बाद एडेंडम निकालते हैं, एडेंडम प्लस क्लियरेंस इसको ऐड कर देते हैं, इसको और इसको ऐड कर देते हैं, तो ये डिडेंडम आया था, डिडेंडम 8.1 mm आया। अब डिडेंडम सर्किल डायर निकाला पीसीडी में से, दो गुनी डिडेंडम को घटा देते हैं, तो ये घटाने के बाद 123.8 mm आया। अब ये तुट के थिकनेस निकालेंगे सीपी में, जो सीपी होता है जो वृत्त अंतराल होता है उसमें दो से भाग देते हैं, उतनी हमारी पिच डायर सर्कल होती है। अब बात करते हैं कि ये सारे कैलकुलेशन तो कर लिए, अब इसको बनाएंगे कैसे। चलिए अब हम बनाते हैं गियर की शुरुआत करते हैं। गियर की शुरुआत करने के लिए सबसे पहले अपने ड्राइंग शीट पे एक सेंटर ले लीजिए। अब सेंटर से जो पीसीडी था, पीसीडी हमारा आया था 140 mm, पीसीडी तो उसका हाफ कर लीजिए, 140 mm अर्थात 70 mm, क्योंकि रेडियस हम लेंगे डायमीटर नहीं लेंगे, तो रेडियस का एक सर्कल एक चाप लगा दीजिए। ये चाप लगा दिया, ये जो चाप लगाया ये पीसीडी था, ठीक। अब इसके बाद जो हमारा एडेंडम सर्किल डाया आया था इससे 154 mm आया था, 154 mm अर्थात उसका जो डायमीटर था 154 mm अर्थात 7 mm इससे ऊपर और 7 mm नीचे, क्योंकि उसका मल्टीप्लाई करा था दो के लिए, तो इससे 7 ऊपर अर्थात ये हमारा 70 का है, तो वो 77 mm का बनेगा। ये 77 mm का दूसरी चाप लगा लीजिए। अब डिडेंडम सर्किल खींचते हैं, डिडेंडम सर्किल था हमारा 123.8, ये हमारा डायमीटर था, तो उसको रेडियस में कन्वर्ट करके उसका चाप लगाइए। ये डिडेंडम सर्किल करीब 61 पॉइंट समथिंग आएगा, ये बना लीजिए। अब ये जो पॉइंट आपने लिया था, इस पॉइंट से एक लाइन ड्रॉ कर लीजिए पीसीडी तक, इस पॉइंट से हम पीसीडी तक एक लाइन खींचते हैं, ये जो पॉइंट मिला पीसीडी तक लाइन खींच दिया। अब इस लाइन को दो भागों में डिवाइड करेंगे, इस लाइन को दो भागों में डिवाइड कर लीजिए, करीब 35 आएगा। इसको दो भागों में डिवाइड कर लीजिए और यहाँ पे प्रकार रखिए और एक सर्कल हाफ सर्कल सेमी सर्कल ड्रॉ कर लेते हैं, इस पॉइंट से इस पॉइंट रखिए और इस प्रकार एक सर्कल ड्रॉ कर दीजिए, ये सर्कल बना। अब इस पॉइंट से इसको दो भागों में डिवाइड करिए, ये जो था इसको दो भागों में डिवाइड कर लीजिए, ये सारे काम ड्राफ्टर से आप करेंगे। ये इसको दो भागों में डिवाइड किए, ये पॉइंट आया, जो पॉइंट आया उस पॉइंट पे आप अपना ड्राफ्ट प्रकार का नोक रखें और इससे ऐसे मिला दें सर्कल पीसीडी तक। अब देखेंगे कि ये सर्कल और ये छोटी वाली सर्कल एक जगह पे काट रही है, जो काट रही है उस पर अपने प्रकार को रखें, मेजर करें और उस पर एक दूसरी सर्कल ड्रा कर दें। ये देखिए इस प्रकार हमारे एक दो तीन चार लाइनें प्राप्त हुई सर्कल। अब ये जो लाइन खींचे थे इससे 20 डिग्री एंगल, जो कि हमारा प्रेशर एंगल था, उस एंगल पर एक लाइन ड्रा करते हैं, इस लाइन से 20 डिग्री इसको आप ऐसे रख कर चांदे से नाप लीजिए, ये 10-20 डिग्री ये होया, ये 20 डिग्री जो लाइन आई है इसको हम पीसीडी वाली लाइन तक बढ़ाएंगे, ये पीसीडी की लाइन है ऊपर वाली, यहाँ तक हमने बढ़ा दिया। अब ये जो पीसीडी वाली लाइन थी इससे एक टेंजेंट ड्रॉ करते हैं, टेंजेंट ड्रॉ करने के लिए सबसे पहले आप इसको पैरेलल रख लें, इसका पैरेलल रख लें और
इससे एक ट्रेंजन ड्रॉ करें। ये टेंजेंट हो गई, ये जो टेंजेंट आपने खींचा, सॉरी ये टेंजेंट थोड़ी सी गड़बड़ हो गई, ये जो टेंजेंट आपने खींचा, ये टेंजेंट से 20 डिग्री एंगल पे एक लाइन नीचे की तरफ खींचें, 20 डिग्री एंगल पे 20 डिग्री एंगल ड्रा करें इस टेंजेंट वाली लाइन से। ये 10-20 ये पॉइंट मिला हमको, इससे इस लाइन को मिला दीजिए, इस टेंजेंट वाली लाइन को इस लाइन से मिला दीजिए। देखते हैं कि ये एक लाइन काटती है, ये इस लाइन से थोड़ी सी नीचे काट रही है, तो ये जहाँ पे काट रही है उस पे एक ये लीजिए और एक सर्कल ड्रा कर दीजिए। ये लाइनें बिल्कुल समीप हैं एक दूसरे के। अब जो हमारा टीथ थिकनेस था वो था 11 mm, हमने कैलकुलेशन से निकाला था CP/2। अब जितने CP/2 टीथ थिकनेस है उसको इसमें मेजर कर लीजिए, अपने प्रकार में मेजर कीजिए। देखिए 11 पॉइंट, ये 11 किया हमने, 11 मेजर किया और इस पॉइंट से रखिए और PCD वाले पे लगा दीजिए। अगर आपको 5 दांते बनानी है तो 10 चाप लगाएंगे, और उससे ज़्यादा बनानी 6 बनानी है तो 12 लगाएंगे। मतलब आपको 2 दांते बनानी है तो उसके लिए जितनी भी दांते बनानी है उसके डबल आप आर्क लगाएंगे, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ये हमने 10 आर्क लगा लिए। अब इस पर नंबरिंग कर देते हैं, इस प्रकार हमने नंबरिंग कर ली। अब अपने प्रकार में ये दूरी रखें और ऐसे मेजर करें, ये जितनी डिस्टेंस थी उसको मेजर करें। मेजर करने के पश्चात प्रकार की ये जो सम संख्या है, सम संख्या 2 सम संख्या है, उससे अंदर कट करेंगे ऐसे ऐसे, सम संख्या पे ही केवल अंदर की तरफ कट करेंगे, विषम संख्या पे नहीं, अंदर की तरफ कट करें। ये करें जो ये अंडर पे कट किए, ये 10 वाले कट था, यानी इसको 10 डैश लिख सकते हैं, 10 डैश, इसको 8 डैश, इसको 6 डैश, इसको 4 डैश, इसको 2 डैश। अब ये जो विषम संख्या थी अर्थात इवन नंबर, इससे आउटसाइड कट करेंगे, आउटसाइड ये कट किया एक, इसी प्रकार इसको कट करें, ये किया ये इसके पश्चात ये और 10वां ये, इस प्रकार हम इसको कट कर लेंगे। और कट करने के पश्चात सबसे पहले ये आउटर वाले पे रखेंगे, और ये जो 9 नंबर पे था इसको डिडेंडम से एडेंडम तक मिलाएंगे, यहाँ तक नीचे वाले सर्कल तक, डिडेंडम से बेस सर्कल तक। अब यहाँ पे रखें 10 डैश वाले पे और इससे ऐसे मिला दें, पुनः इसके बगल वाली लाइन पे रखें और उसको ऊपर से नीचे तक लाएं, पुनः इधर रखें और इसको ऐसे मिला दें। इसके बाद जो लाइन थी उस पे रखें और 5 वाले को मिला दें, उसके बाद जो लाइन थी उससे रखें ऐसे मिला दें, ये जो लाइन थी उस पे रखें और ऐसे मिला दें, इस पे रखें और ऐसे मिला दें, इस पे रखें ऐसे मिला दें, इस पे रखें और ऐसे मिला दें। अब इन सब लाइनों को आपस में मिला देते हैं, इसको आपस में मिला दीजिए। ये जो हमारी बनी है ये तीत है,
हम इसको स्केच पेन से बना रहे हैं, क्योंकि आप पेंसिल से बनाएंगे तो ये क्लियरिटी आप में आएगी। अब इसको आप ऐसे करिए और ऐसे करते हुए मिला दीजिए, हल्का सर्कुलर फॉर्म देते हुए इसको ऐसे, इसको भी आप नीचे बढ़ाइए, इसको ऐसे मिला दीजिए, इसको ऐसे करिए और इसको ऊपर मिला दीजिए, आपस में मिला दीजिए डिडेंडम। इस प्रकार ये हमारा जो बन के तैयार हुआ वो गियर बन के तैयार हुआ। इसकी डायमेंशन शो कर लीजिए, ये सेंटर लाइन PCD होती है, इस जब डायमेंशन शो कर लेंगे तो आपकी जो ड्राइंग है वो कंप्लीट हो जाएगी। ये हो गया PCD, PCD था 140 mm, ये डिडेंडम था, एडेंडम इसकी भी डायमीटर डिस्टेंस शो कर लीजिए यहाँ से। तो इस प्रकार हमारा जो बन के तैयार होगा वो एक गियर के कुछ दांते होंगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़। अगर हमें वीडियोज़ पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों के पास शेयर भी करें, जिससे कि उनको भी इस टॉपिक पे आसानी हो। और अगर आपको किस टॉपिक में समस्या आ रही हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कर सकते हैं। धन्यवाद।